रनिंग, दौड़, बैग में चलना, एक ऐसी एक्सरसाइज जो लोगों को बिस्तर छोड़ना और अपने ही रिकॉर्ड को रोज तोड़ना सिखाता है। एक ऐसी एक्सरसाइज जो लोगों को दौड़ना और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना सिखाता है। इस एक्सरसाइज में सबसे खास बात क्या है जानते हो तुम? वो ये है कि लोग हर चीज के लिए बहाने बना लेते हैं कि मुझे जिम करना नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं मुझे योगा कैलिस्थेनिक्स करना नहीं आता, लेकिन कोई बंदा या बंदी ये नहीं कह सकती कि उसे दौड़ना ना आता हो। और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास मॉर्निंग रनिंग करने के लिए जगह नहीं है तो ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं, क्योंकि जब तुम सुबह 10 बजे उठोगे उस समय तुम्हें दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय हर तरफ पैसे के पीछे भागते हुए लोग दिखाई देंगे, अपने लिए भागते हुए लोग कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। देयरफॉर एक दिन सुबह 4 या 4:30 बजे उठकर तो देखो, पूरा रोड पूरा स्ट्रीट तुम्हारे लिए खाली रहेगा, लेकिन वहां भी कुछ लोग तुम्हें वैसे मिलेंगे जो वहां पर बैठकर गप्पे सप्पे मारते रहेंगे और कुछ सोशल मीडिया पर टाइम बिताएंगे, क्योंकि उन बहुत सारे लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है। और जब तुम दौड़ना शुरू करोगे तब एक भी दिन गैप मत करना। शुरुआत में तुम कहोगे यार ये सब बेकार है, लेकिन 10-15 दिन बाद पता चलेगा कि इसके आगे डाइटिंग या लो फैट खाना सब बेकार है। तुम सिर्फ 10 दिन मेरे कहने पर दौड़ने जाओ और उस 10-15 दिन बाद तुम खुद सुबह दौड़ने जाओगे। जब तुम्हें मॉर्निंग रनिंग करते हुए 2 महीना हो जाएगा तब तुम्हें एक बार पहले वाले आलसी तुम के बारे में सोचना और अब वाले असली तुम के बारे में सोचना और खुद के अंदर ही अंतर देखना। अगर कुछ अंतर नहीं आएगा तो बेशक कमेंट में गालियां लिखकर चले जाना, और अगर अंतर चलेगा तो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को ये बात जरूर बताना। गाइस, मैं रनिंग करने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि रनिंग करने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। ब्रांड्स वगैरह, भाई, द रूट ऑफ नॉलेज, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।